मॉरिशस में 4 दिन था, तो मॉरिशस में भी मतलब हमारे बिहार के लोग वहां गए, कई साल पहले गए, और वो 80 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा, इतना ही वो मतलब मॉरिशस कंट्री है, 10 लाख उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन वो पूरे लोग बिहार के लोग है, तो बिहार के लोगों के बारे में अभिमान है। जहाँ भी वो जाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए मतलब हम बिहार के लोगों का आदर करते हैं, और इसीलिए मैं बिहार आता रहूंगा और मैं हमेशा आता रहूंगा बिहार। मैं हमेशा आता रहूंगा बिहार, लेकिन जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर मैं करूंगा प्रहार। मुंबई में जाकर बैठक होने वाली है, नीतीश जी को चाहेंगे कि वो एक बार फिर से आपके साथ आए और देंगे? अगर नहीं, नीतीश जी हमारे सबके मित्र है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 45 कितनी 46-47 सीटें उनकी आई थी, इसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया, और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे है, तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने से फायदा नहीं है, तो मुंबई के मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा उनको सलाह है। बीजेपी में 21 जो सांसदों की टीम गई है मणिपुर हिंसा को लेकर के, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट जानने की गई है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हमारा कहना है कि अपोजिशन नेता लोग सब गए अच्छी बात है, लेकिन वो अपोजिशन नेता मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, रोज हाउस में हंगामा कर रहे, सरकार ने बोला है कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार है, उसके बावजूद भी बहाना बनाकर पीएम ने आना चाहिए इसी तरह की बात हो रही है। हमने बोला पहले चर्चा तो शुरू करो, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर के नाते रिप्लाई दे देगी, लेकिन आपका बहुत ही आग्रह होगा तो पीएम भी आने का विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा के भाग रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर गए तो अच्छी बात है, वहाँ के जो सत्य चित्र है, सत्य रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सरकार को दे, चर्चा शुरू करे, 11 तारीख तक अपना अधिवेशन है, तो वहां से आने के बाद मंडे के बाद मतलब वो चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको भी सरकार के तरफ से बताया गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। आपके तो मन में सर विचार है कि नीतीश कुमार आप लोगों की तरफ आ जाए? मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार घटनाएं हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, जिस तरह से मणिपुर में 21 सांसदों की टीम गई है, क्या बंगाल में भी जाना चाहिए, बिहार में भी आना चाहिए ऐसी टीम जहां ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को जांचना चाहिए? हाँ, मतलब अगर वहाँ भी मतलब जो 2 महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं तो सामने आई है वीडियो के माध्यम से, लेकिन और भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इसी तरह की बातें भी हो रही है, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अपोजिशन की जो टीम है जैसी वहां चली गई है, उसी तरह भी उनको क्या करना है उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे कोई घटना घटती है, तो कहीं जाना है या नहीं जाना है वो तो उन्होंने तय करना है। अठावले जी, आप लंबी पैसा बहुत लंबी बिहार सरकार कहती है केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, उसका कोई आंकड़ा है तो पढ़ दीजिए। कौन सा आंकड़ा? छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार नहीं देती है बिहार को, वो तो आंकड़ा भी आंकड़ा मेरे पास नहीं, लेकिन जो मैंने बोला है जिस तरह मेरा मंत्रालय है, एक उस मेरे मंत्रालय के तरफ से जो स्कीम आती है उस स्कीम के लिए जो पैसा है, पैसा पूरा पैसा हम भेजते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा हो या ओल्ड एज होम के लिए पैसा हो, आश्रम स्कूल के लिए पैसा हो, या और भी जो अलग अलग योजना है उसके लिए पैसा हो, वो तो पैसा हम भेजते है, तो बिहार को कोई हम पैसा भेजते ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार की योजना है, वो योजना माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सरकार को कोई प्रोजेक्ट भेजे
जरूर हम बिहार के लिए पैसा भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सरकार हमारी नहीं है, इसीलिए बिहार की जनता पर अन्याय करना ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की तो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का तो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इसीलिए जरूर हम बिहार को ऐसा कुछ मदद देने के लिए कोई आगे पीछे नहीं देखेगी। या बिहार के बहुत सारे MP भी है, बहुत सारे MLA भी है, बहुत सारे लोक प्रतिनिधि है, तो बिहार पर अन्याय करने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट हो गए जरूर उसको मदद करने की कोशिश हम करेंगे। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो आरक्षण के लाभ का जो फैलाव है अलग अलग जातियों में वो न्याय संगत नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे होना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि कास्ट सेंसस जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है? हाँ, तो मतलब जिस तरह हमारे मंत्रालय ने रोहिणी समिति का निर्माण किया है और उसके पहले हमारे मंत्रालय ने 10% आरक्षण सवर्णों को इकोनॉमिक रिपेयर सेक्शन को देने का निर्णय भी लिया है, उसके साथ साथ जो OBC को जो 27% रिजर्वेशन अभी मिलता है उसमें कालेलकर कमीशन के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो तो अधिकृत आंकड़े नहीं है, लेकिन कालेलकर कमीशन के माध्यम से देश में 52% OBC की संख्या हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरे पार्टी की तरफ से मैंने पार्लियामेंट में मांग किया है, पहली अभी SC ST का सेंसस होता है लेकिन OBC का नहीं होता है, जनरल कैटेगरी का नहीं होता है, तो सेंसस करना ही है। OBC के साथ साथ जनरल कैटेगरी का भी सेंसस होना चाहिए ताकि हर कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है इसकी जानकारी मिले। तो पार्टी की तरफ से मेरी सरकार को मांग है, मैं तो सरकार में हुई है लेकिन मेरी RPI जो RPI की तरफ से मेरी सरकार को मांग है कि देश में जो अभी आने वाला जो 21 का सेंसस है वो 21 का सेंसस जाति के आधार पर हो, इसी तरह की अब मेरी पार्टी की तरफ से भी मेरी मांग है। और जो क्या चौधरी उन्होंने बोला है तो मतलब मेरी पार्टी की तरफ से हमारी मांग है, प्रधानमंत्री तो मना कर रहे हैं लेकिन जो मैंने ये बताया कि नहीं नहीं मना मतलब अभी उसमें अभी तक जब जब 10 साल के बाद जो सेंसस होता है तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी ये है कि कास्टिज्म को खत्म करने का कानून अपन बनाया है, तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी ये है कि अगर कास्टिज्म को खत्म करने का कानून बन गया है तो फिर कास्ट के आधार पर कैसा सेंसस हो, ये सरकार की टेक्निकल डिफिकल्टी, ये सरकार की टेक्निकल भी है और पहले सरकारों में भी थी, तो पहले सरकारों ने भी नहीं किया है, लेकिन उसमें क्या मार्ग निकालना है थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सोचे। लेकिन मेरे पार्टी का मांग है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और रोहिणी कमीशन का जो आपने पूछा है, रोहिणी कमीशन स्टडी कर रही है कि जो इसमें जो कास्ट है उसमें मतलब कैटेगराइजेशन जो है कैटेगराइजेशन करके वहाँ उसमें 2-3 ग्रुप अगर बनाए जाते हैं तो उसमें हर कास्ट को उसका फायदा होगा, उसके लिए अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है लेकिन कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये मेरा भी मत है। और आपने मणिपुर की घटना को आतंकी घटना कहा, ये दुरुस्त है क्या? क्या मणिपुर की घटना को आतंकी घटना कहा है? नहीं, मणिपुर की घटना जो है आतंकी घटना नहीं है, लेकिन जो मैथिली कम्युनिटी है, मैथिली कम्युनिटी को मणिपुर हाईकोर्ट ने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का निर्णय लिया, उसके बाद वहाँ की जो ओरिजिनल कुकी कम्युनिटी है, ये कुकी कम्युनिटी ने इसका कड़ा विरोध किया और कुकी कम्युनिटी के तरफ से और मैथिली कम्युनिटी में दोनों में बहुत बड़ा संघर्ष होता रहा और ये 2-2.5 महीने से ये संघर्ष जारी है। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें कुछ लोग म्यांमार से कुछ लोग आतंकवादी एक्टिविटीज वाले आ रहे, इसी तरह की जानकारी है, जरूर भारत सरकार वहाँ ध्यान दे रही है, लेकिन दोनों समूहों को हमारा आह्वान है कि भाई शांति रखें, एक दूसरे को इसी तरह के आपस में हमले करना ठीक नहीं है। अभी कम से कम 35,000 सिक्योरिटी के जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और सभी स्टाफ उधर चला गया है और कोई भी घटना ना घटे इसके लिए जरूर केंद्र सरकार की भी कोशिश है और मणिपुर राज्य सरकार की भी कोशिश है। महाराष्ट्र में परिवर्तन देखने को मिला अजीत पवार को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन जब वो इधर आए पार्टी चेंज किए समर्थन दिए सरकार में चल गया। अब आप लोगों पर सवाल, आप लोगों ने 70
70,000 करोड़ का घोटाले का, उनको लेकर महाराष्ट्र में आप लोग सरकार चला रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? मैंने 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया था वो जो इधर आए उनके ऊपर नहीं था, जो उधर रहे उनके ऊपर था। जो यहाँ एनसीपी के लोग जो इधर हमारे पास आए हैं, जिस तरह महाराष्ट्र में जिस तरह परिवर्तन हुआ है, सभी लोग छोड़ कर हमारे साथ आ रहे हैं, उसी तरह बिहार से भी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ है वैसा बिहार में भी होना चाहिए। और बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भाई यहाँ भी ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन सेना और एनसीपी बचेगी अगले चुनाव तक, उनके पास नंबर अब कम बच गया, काफी लोग आपके साथ आ गए। अभी यहाँ एनसीपी और शिवसेना का मामला ऐसा है कि अभी उनके साथ बहुत कम लोग रहे हैं, इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़ा अटैक, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, हम लोगों पर कर रहे हैं। तो जितना अटैक वो ज्यादा करते रहेगी उतनी जनता हमारे साथ आएगी। यहाँ जिस तरह एक बाजू में 100 पार्टियां उधर एक साथ, 100 पार्टियां नहीं लेकिन 26 पार्टियां एक साथ आई है, लेकिन हमारे साथ कम से कम 38 पार्टियां है। और ये जो 26 पार्टियों का एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ, और लेकिन हमारा नारा है देश का विकास हमें करना है। हम उनको हटाओ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ क्योंकि वो इतने पॉपुलर बन रहे हैं, इनकी जलन मतलब उनके दिमाग में है। और राहुल और हम उनको आह्वान करते हैं, जिस तरह हमारे एनडीए ने तय किया है कि भाई हमारा एक ही नेता है प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह आपका नाम एक जाहिर कर दीजिए। किसका नाम आप जाहिर करने वाले हैं? एक का नाम, इधर हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्त आने वाला नहीं है। हम तो 350 से ज्यादा सीट जीते गए, और इसी तरह मतलब हमारी एनडीए बहुत बड़ी मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। सर, आप लोगों पे एक और आरोप लगता रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी जो हमारे साथ आते हैं वो सब भ्रष्टाचार छोड़कर इधर आते हैं, मतलब वो जो आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे पास आते हैं तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन नीतीश जी से मिलने के लिए बोल रहे हैं, जाइएगा नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर भी रहे हैं। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था, वो नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था, तो इसी तरह अच्छे रोड भी बन रहे हैं। तो इसी तरह मतलब नीतीश जी को मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर मिलना ठीक नहीं है।